अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 16, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान का अपने। हमने देखें, हमने एक बायोलॉजी की एक ब्रांच पढ़ी थी इकोलॉजी, ठीक है, द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, उसको हमने एक पूरा चैप्टर डिस्कस करना है, ठीक है। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान और उसका एनवायरनमेंट। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स स्पेसिफिक सराउंडिंग और एनवायरनमेंट विच विद विच इट कॉन्टिन्यूसली इंट्रैक्ट्स एंड रिमेन्स फुली अडेप्टिड, यानी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक सराउंडिंग एरिया होता है, और जिसको हम इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली अपने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करता रहता है और फुली अडेप्टिड और अपने माहौल के मुताबिक खुद को सर्वाइव करने के लिए चेंजिंग करता रहता है। अब यहाँ से इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है, एन इन्वायरमेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ फिजिकल एबायोटिक एंड बायोलॉजिकल बायोटिक कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस दैट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट एक ऐसा एरिया है जिसमें फिजिकल यानी कि एबायोटिक जैसे कि हवा पानी मिट्टी है, एंड बायोलॉजिकल प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह हैं, दोनों आपस में मिल के इन्फ्लुएंस दैट ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करें, मुतासर करें। ठीक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये होगी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंटर रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के साथ क्या इंट्रैक्शन है, क्या ताल्लुक है, उसको हम इकोलॉजी की जो है बायो की ब्रांच जो है इकोलॉजी उसमें स्टडी करते हैं। ये दो डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शंस इन इकोलॉजी, द लेवल ऑफ बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्राम ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फेयर। ऑर्गेनिजम्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि सिंपल सब अटोमिक से लेके वो चलता है बायोस्फेयर तक, और इसमें वो कह रहे हैं कि लेवल इकोलॉजी के अंदर जो है वो सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है और जो कम्प्लेक्स बनेगा वो बायोस्फेयर हो जाएगा। एन ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हमें पता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि सेम स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हों और वो एक ख़ास जगह पे मौजूद हों एक ख़ास टाइम में, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप ये भी कर सकते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑल द पॉपुलेशंस दैट लिव इन अ हैबिटेट एंड इंट्रैक्ट इट वेरियस वेज विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ कम्युनिटी, यानी कि तमाम जो पॉपुलेशंस हैं वो एक हैबिटेट में रह रही हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, उन सब को मिला के जब हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास के पहले चैप्टर में पॉपुलेशन और कम्युनिटी दोनों के डेफिनेशंस हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज़ की, अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ऐसी आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें जो कि फर्दर आगे अपनी नस्ल बढ़ा सके। इसमें हमने ज़्यादा डेफिनेशन से याद करनी है, एक पॉपुलेशन की होगी, कम्युनिटी की होगी, नेक्स्ट ये स्पीशीज़ की होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से अलहदा नहीं रह सकता अपने माहौल में, ठीक हो गया। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिस्टम। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक, अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो होंगे लिविंग कंपोनेंट्स और जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक यानी कि जैसे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर ही है, ठीक है। दोनों मिलेंगे तो वो एक सिस्टम बना देंगे। अब एक यहाँ से डेफिनेशन है, द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इट्स बायोटिक कम्युनिटी एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज
इकोसिस्टम, यानी कि एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा एनवायरनमेंट के अंदर एरिया जो के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के रिजल्ट में बनेगा, ठीक हो गया, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। या कि एग्जाम्पल है, अ पॉन्ड, अ लेक एंड अ फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आल्सो भी आर्टिफिशियल फॉर एग्जाम्पल एन एक्वेरियम, यानी कि इकोसिस्टम्स को हम आर्टिफिशली भी बना सकते हैं, जिसको हम एक्वेरियम, हम एक्वेरियम कहते हैं। जैसे कि हम फर्ज करें कोई हम तालाब बना लेते हैं, उसमें हमने मछलियाँ पालनी होती हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें जड़ी बूटियाँ और जो साथ फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, स्नैक्स वगैरह, वो खुद ब खुद ही प्रोड्यूस होते हैं। हमने सिर्फ उनमें मछलियाँ छोड़ी हुई होती हैं, जो फिश हमने अगर प्रोड्यूस करनी है तो, लेकिन उनमें साथ फ्रॉग्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह जो होते हैं और जड़ी बूटियाँ वगैरह खुद ही उगाती हैं, ठीक है, तो वो भी एक इकोसिस्टम की एग्जाम्पल बन जाएगी। ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड टूगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। तमाम इकोसिस्टम्स पूरी दुनिया के आपस में मिल जाएं तो वो बायोस्फीयर बना देते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लैनेट अर्थ, अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम हैं, जैसे कि देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, अगर कोई खुश्की का है तो वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो जाएगा, पानी है तो वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाएगा, तो तमाम इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर दे लिव। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम मिलके एक बायोस्फीयर बना देते हैं। बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ओशंस टू द टॉप्स ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, यानी कि बायोस्फीयर को अगर हम देखें तो वो टॉप ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओशंस, यानी कि जमीन के, सॉरी समंदर की तह से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम बायोस्फीयर में आते हैं। इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर थिक, इसकी जो थिकनेस है वो 20 किलोमीटर है। अब ये डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर लें, उसको आगे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ तक भी, और ये MCQs है। इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर थिक, इसकी जो थिकनेस है वो 20 किलोमीटर होती है। द बायोस्फीयर मेक्स अ थिन लेयर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ। इफ यू कंसीडर द अर्थ एज ऑफ द साइज ऑफ एन एप्पल देन द बायोस्फीयर विल बी एज अ थिक एज द एप्पल स्किन, यानी कि देखें यहाँ पर उन्होंने हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है, जो बायोस्फीयर है वो अर्थ की एक, जो हमारा प्लैनेट है उसकी बिल्कुल एक लेयर है, पतली सी। एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दिए कि अगर हमारे पास एक एप्पल है, सेब है, तो जो उसकी जो स्किन है, अगर हम एप्पल को अर्थ कंसीडर करें तो उसकी जो स्किन है वो एक बायोस्फीयर होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमारे पास टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पिछली बारी जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखें हमने पहले बात करके हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक जो होंगे वो नॉन लिविंग होंगे और जो बायोटिक होंगे वो लिविंग होंगे। वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेज अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हम पिछली क्लासेज में इकोसिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। वी नो दैट एन इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू बेसिक पार्ट्स, इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक। द ए बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द नॉन लिविंग फैक्टर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, ये होगी ए बायोटिक की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। द इम्पॉर्टेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स आर, अभी उसकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, लाइट है, एयर है, वाटर है, सोयल है, एंड द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब उसके बाद यहाँ से बायोटिक की डेफिनेशन है, द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजेस द लिविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। आपने याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए बायोटिक कंपोनेंट्स की है और यहाँ से लेके यहाँ तक बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो अब जैसे ही इन्होंने देखा कहा है कि बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, तो हमें अलहदा से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। तो ये इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जो है इसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे देखें ये प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, अगर हम प्रोड्यूसर्स को कंसेप्चुअली देखें तो प्रोड्यूसर्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, और कंज्यूमर्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जिनको खुराक हासिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। इसके साथ ही आगे देखें एक फर्दर है,
लास्ट में है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यानी कि डेड मैटर वगैरह जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स उनको डीकम्पोज करके अपनी खुराक हासिल करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंसेप्चुअली, इसको आगे बस इसको हम स्टडी कर लेते हैं। देखें, ओमनीवोरस आर द कंज्यूमर्स दैट ईट एनिमल्स फ्लैश एज वेल एज प्लांट एंड पार्ट्स प्रोडक्ट्स। फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोरस। अब देखें, ओमनीवोरस वो कह रहा है कि ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि एनिमल्स को भी खिला लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं। ठीक है, अब ओमनीवोरस के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो जस्ट प्लांट्स को ही खाते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो जस्ट एनिमल्स को ही खाते हैं। ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स खाएगी जैसे कि गोट होगी, ठीक है, और कार्निवोर्स जैसे कि वो सिर्फ एनिमल्स को ही खाएगी जैसे लाइन हो गया। ठीक है, तो अब ओमनीवोरस क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी कहा है कि फाइंड द एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो आती है वो ह्यूमन की आती है, हम यानी कि हम प्लांट्स भी खाते हैं सब्जियाँ वगैरह जो खाते हैं और एनिमल्स का जो मीट गोश्त वगैरह वो भी खाते हैं। ठीक है, अब आगे उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया है कि उसके तीन फैक्टर्स हैं, तीन इसके जो कंपोनेंट्स हैं। द प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम्स। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। प्रोड्यूसर्स इंक्लूड्स, अब प्रोड्यूसर्स में कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स, एल्जी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सिंथेसाइज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनको इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मिल जाता है जिसको वो सिंथेसाइज करके अपनी खुराक बना लेते हैं। प्रोड्यूसर्स फॉर्म्स द बेसिक ऑफ एनी इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किसी भी इकोसिस्टम का जो बेसिक्स होगा, जहाँ से इकोसिस्टम स्टार्ट होगा, वो प्रोड्यूसर से ही शुरू होगा। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जो खुश्की वाले होते हैं उनके अंदर जो प्लांट्स हैं वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, और इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द मेन प्रोड्यूसर्स आर द फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मेनली एल्जी कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स। और एक्वेटिक एनवायरमेंट्स यानी कि इकोसिस्टम जैसे कि पानी है, तालाब है, उनके अंदर जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लोटिंग यानी कि जो तैर रहे होते हैं पानी के ऊपर प्लांट्स वगैरह, जिनको हम एल्जी कहते हैं। एल्जी को फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं क्योंकि ये आमतौर पर पानी में होते हैं और ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स जिनकी जड़ें यानी कि होती हैं थोड़ी सी गहरी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स पे। द कंज्यूमर्स आर हीटरोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स हीटरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड सो डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। हम देखें, जाहिर सी बात है कि वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो उनको अपनी खुराक हासिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑल एनिमल्स, ये तमाम के तमाम एनिमल्स हैं। फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड मैनी ऑफ द बैक्टीरिया, इसमें फंजाई आ जाता है, प्रोटोजोन्स आ जाता है और मैनी बैक्टीरिया भी इसमें इंक्लूड हैं। अब देखें फ़र्क है, बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड है और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं उनमें फ़र्क है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होंगे जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है तो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वो पिगमेंट मौजूद नहीं है इसलिए ये हीटरोट्रॉफ्स में आ रही हैं। द एनिमल्स आर द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ इकोसिस्टम। जो एनिमल्स हैं वो मेजर कंज्यूमर्स हैं इकोसिस्टम के, दे आर। अब देखें कंज्यूमर्स को आगे फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स जस्ट प्लांट्स पे ईट करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ईट प्लांट्स ओनली, ठीक हो गया। एंड कार्निवोरस द एनिमल्स दैट कैन ईट मीट ओनली। ठीक है, हर्बीवोरस एग्जाम्पल देखें, कैटल है, डियर है, रैबिट है, ग्रास ऑपर्स है, फीड ऑन प्लांट्स, तो ये प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। आगे फिर अब देखें इनकी इसी बेस के ऊपर के कौन सा ऑर्गेनिजम्स किसको खाता है। आगे तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, देखें दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। कौन से प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं? जो हर्बीवोर्स हैं, ये जो कैटल, डियर, रैबिट हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे बिकॉज दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये क्या है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये डायरेक्टली प्लांट्स को यानी कि खा सकते हैं। कार्निवोर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स, जो कार्निवोर्स हैं वो फीड करते हैं दूसरे एनिमल्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं कार्निवोर्स हैं, अब जो कार्निवोर्स हैं वो फीड करेंगे अदर एनिमल्स, जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे।
क्योंकि ये फीड ऑन हर्बीवोर्स। अब देखें जो हर्बीवोर्स थे उन्होंने डायरेक्टली प्लांट्स को खा लिया, तो वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। लेकिन यहाँ पे ये देखें जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा वो प्राइमरी कार्निवोर होगा, ठीक है, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होगा वो सेकेंडरी कार्निवोर होगा। इस बात को आपने याद रखना है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अब जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो फीड कर रहे हैं डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, फीड ऑन हर्बीवोर्स, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं, इन्होंने जस्ट मीट ही खाना है, तो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह देंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होंगे जिन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाना है, ठीक हो गया। फॉक्स, फ्रॉग, प्रीडेटरी बर्ड्स, मैनी फिशेज एंड स्नेक्स, ये इनकी एग्जाम्पल होंगी, आर प्राइमरी कार्निवोर्स। अब जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वही सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स जिनको अब टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे, अब जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो फीड करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर होंगे, फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स। जैसे कि अब देखें टर्शरी कंज्यूमर्स ने सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लिया और सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लिया था, अब वैसे ही जो सेकेंडरी कार्निवोर होगा वो प्राइमरी कार्निवोर को ईट कर लेगा। जैसे ये स्टेटमेंट लिखी गई है, सेकेंडरी कार्निवोर फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स। यहाँ पे याद रहे आपने कार्निवोर्स और कंज्यूमर्स को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, वोल्फ एंड ऑल एटसेट्रा आर सेकेंडरी कार्निवोर्स। टर्शरी कार्निवोर्स यानी कि जो सबसे मेन वाले हैं, लाइन, टाइगर एटसेट्रा, जिनको कोई भी नहीं खा सकता, फीड ऑन सेकेंडरी कार्निवोर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स, ये अलहदा टर्म्स हैं। प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड टर्शरी कार्निवोर्स, ये अलहदा टर्म्स हैं, ठीक है। टर्शरी कार्निवोर्स आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स। अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई टॉप कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर्स आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनको कोई भी नई एनिमल नहीं खा सकता। अब देखें शेर को आपने कभी सुना है कि शेर को किसी ने खाया है या टाइगर को किसी ने खाया है? तो इनके यानी कि नेचुरली या कोई यानी कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स आ गए हैं, तो उनकी वजह से ही इनकी डेथ होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आर रिड्यूसर्स, ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स। जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड मैटर्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उनको सिंपल कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स टू डाइजेस्ट द एनिमल मटेरियल। वो अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करके उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डाल देते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसमें जो मटेरियल डाइजेस्ट होता है फिर उसको वो अपनी खुराक बना लेते हैं। After digestion, decomposers absorbs the products for their own use. Digestion के बाद जो decomposers को जो products मिलते हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए उसको use कर लेते हैं। The remaining substances are added to environment. और जो बाकी चीज़ें बचती हैं उनको environment के अंदर वो add कर देते हैं। Many types of bacteria and fungi are the principal decomposers of biosphere. बहुत सारे जो हैं bacteria और जो fungi हैं वो decomposers का काम करते हैं। The minerals which are released by decomposers are used as nutrients by the producers. जो minerals decomposers release करते हैं वही producers उनको as a diet इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक figure है, इसको हम देख लेते हैं। देखें figure में है 16.1 producers, consumers and decomposers। ये देखें producers plants जो हैं उनके ऊपर herbivores इसने eat किया, उसके बाद primary carnivores, primary carnivore ने इसको खा लिया, सेकेंडरी कार्निवोर ने प्राइमरी कार्निवोर को खा लिया और टर्शरी कार्निवोर ने इसको खा लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद जैसे ही ये प्लाने जब इनकी यानी कि जड़ें डेड हो जाती हैं, जब ये गल सड़ जाते हैं, तो उनको डीकम्पोजर्स अपनी खुराक बना लेते हैं और जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये टॉपिक आपने अच्छे से याद करना है। ओके, जजाकल्ला।